हेलो एवरीवन। तो देखिए आज के लेक्चर में हम जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, डिस्कस करेंगे 2023 के न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 बॉल्स ईच ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी स्पीड वी साइमल्टेनियसली स्ट्राइक ए वॉल normally and reflected back with same its speed in time t, the total force exerted by the balls on the wall। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये एक वॉल दी है, इससे जो बुलेट बॉल्स टकरा रही है ये बॉल है, इसमें इसका मास m है और जितनी स्पीड से टकराएंगी उसी स्पीड से वापस लौट के आएंगी। तो v स्पीड से टकराएंगी और वी स्पीड से वापस लौट के आएंगे, तो जो फोर्स लगेगा वो हमें फाइंड करना है। तो एफ की वैल्यू जो होगी ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगी और ये पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल टी के होगा। 100 बुलेट इसमें इंसिडेंट कर रही, तो 100 फाइनल मोमेंटम जो होगा एम इंटू वी, इसको माइनस आई कैप ले लेते हैं और इन जो टकरा रही हैं इनको हम प्लस लेंगे, तो माइनस एम वी आई कैप, ये हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, और अपॉन टी, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, टू टाइम हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 200 एम वी अपॉन टी के, ये फोर्स की वैल्यू आएगी। तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो आएगा 200 एम वी अपॉन टी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लॉक ऑफ √3 kg इज अटैच टू ए स्ट्रिंग हुज अदर एंड इज अटैच टू द वॉल एंड अननोन फोर्स एफ इज अप्लाइड सो दैट स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 30° विद द वॉल द टेंशन टी। तो देखिए इसमें टेंशन फाइंड करना है, ये डायग्राम दिया गया, इसमें जो वैल्यू गिवन है मास दिया है, गिवन एम इज इक्वल टू √3 kg के है, तो इसका मास √3 kg होगा। यहां पर टेंशन टी फाइंड करना, ये एंगल दिया है वर्टिकल से 30°, तो ये एंगल भी 30° हो जाएगा। इसे हम कोई पॉइंट ए मान लेते हैं, तो हम इस ए पॉइंट की एफवीडी ड्रॉ करेंगे। FVD ऑफ A, तो यहां पर जो फोर्स लगेंगे ये मासलेस पॉइंट होगा, तो यहां पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में यहां पर इस डायरेक्शन में ये F फोर्स लग रहा है, यहां पर √3 g लगेगा, g की वैल्यू 10 और ये टेंशन लगेगा, ये एंगल थीटा है, इधर हो जाएगा t cos थीटा और ये t साइन थीटा। तो यहां से जो इक्वेशन आएगी टी कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 g की वैल्यू हम 10 लिख देते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, और टेंशन ही फाइंड करना है, कॉस 30 की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, ये थीटा 30° है, टी कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू √3 × 10 और ये √3 कैंसिल हो जाएगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से टेंशन की जो वैल्यू आएगी ये टी की वैल्यू आ जाएगी 20 N। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लॉक मूविंग विद स्पीड 1 m/s कम्स टू रेस्ट After moving for 27 over a rough surface, coefficient of friction between the block and the surface। तो देखिए यहां पर coefficient of friction find करना है, velocity initial दिए block की 1 m/s और जो body move करेगी distance वो 20 cm है, तो जो given है उससे हम लिखेंगे, given
u इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, s की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, और यहां पर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है। तो यहां पर हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे बाई इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s, जो वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग v u a फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर एक्सीलेशन पहले निकालेंगे, तो v की वैल्यू 0, u की वैल्यू है 1 स्क्वायर माइनस रिटार्डेशन होगा 2, ये a, और डिस्प्लेसमेंट 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर हो जाएगा। तो इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे, तो 0.4 a इज इक्वल टू 1, तो ये a इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.4, इससे हम लिख सकते हैं 10/4 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रिटार्डेशन होगा। अब म्यू निकालना है, तो यहां पर a इज इक्वल टू हम म्यू जी कर देंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन जब लगेगा तो a इज इक्वल टू म्यू जी के होगा, a के वैल्यू है 2.5, म्यू फाइंड करना, g के वैल्यू 10, तो यहां से कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा 0.25। तो इसका ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो यहां पर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.25 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बॉडी ऑफ मास 5 केजी इज इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू फोर्स F1 F2 एंड F3, तीन फोर्स दिए गए हैं, तो ये इक्विलिब्रियम में है तो F1 को यदि रिमूव कर देते हैं तो इसमें एक्सीलेशन फाइंड करना है। F2 और F3 की वैल्यू दी गई, F2 की वैल्यू 6 न्यूटन है और F3 की वैल्यू 8 न्यूटन, तो जो वैल्यू गिवन है उसे हम लिखेंगे। गिवन M की वैल्यू है 5 kg और F2 और F3 जो है वो परपेंडिकुलर है, F2 F3 परपेंडिकुलर है, और F2 की जो वैल्यू है ये 6 न्यूटन है, F3 की वैल्यू 8 न्यूटन है, और जब F1 को रिमूव कर देंगे तो यहां पर इसका एक्सीलेशन फाइंड करना। देखिए ये F2 है 6 न्यूटन और ये F3 8 न्यूटन, तो F1 इसको इक्विलिब्रियम में करने के लिए इस तरह से लगेगा। अब F1 को जब रिमूव कर देंगे हम तो ये दो फोर्स बचेंगे, और यहां पर ये मास दिया है, ये मास है 5 kg, तो इसका एक्सीलेशन निकालना है। तो यहां पर F नेट हम निकाल लेंगे और एक्सीलेशन की वैल्यू आ जाएगी, यहां से F नेट की वैल्यू जो होगी अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर की हो जाएगा, ये अंडर रूट 110 न्यूटन आएगा, और A की वैल्यू होगी F अपॉन M के F नेट अपॉन M 10 अपॉन 5 2, तो यहां से एक्सीलेशन की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड ए बाई टू एक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू, तो यहां पर दो फोर्स दिए हैं ए एंड ए बाई टू, इनके बीच जो एंगल है 90 डिग्री है, इसका रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड हमको फाइंड करना है। तो यहां पर एफ नेट की वैल्यू जो होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए बाई टू का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4, इसको हम एलसीएम लेंगे, 5 ए स्क्वायर होगा,
यानी ये a by 2 root 5, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ मास 10 केजीज मूविंग विद एन स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, द बॉडी स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकंड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड द फ्लोर, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज। तो देखिए यहां पर एक 10 केजी की बॉडी है जो कि 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है और ये 5 सेकंड बाद रुक जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है। तो जो वैल्यू गिवन है उसे हम लिखेंगे, गिवन m इज इक्वल टू 10 केजी दिया है मास, इनिशियल स्पीड u की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड दी है और t की वैल्यू 5 सेकंड दी गई है, फाइनल इसकी वेलोसिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के ये फाइंड करना है। तो यहां पर हम इक्वेशन लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 20, माइनस रिटार्डेशन होगा t की वैल्यू 5, तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 20/5 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये रिटार्डेशन जो है वो फ्रिक्शन के कारण है, तो a इज इक्वल टू होगा म्यू जी के इक्वल, a की वैल्यू 4 और म्यू की वैल्यू हमें फाइंड करना, जी की वैल्यू 10, तो यहां से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा म्यू 0.4 के इक्वल, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड डाउन द प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद एन एक्सीलेशन g/4, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी। तो देखिए यहां पर एक ब्लॉक है जो इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है और ये इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल दिया है ये 30 डिग्री दिया है, यहां पर ये ब्लॉक रखा है और ये डाउनवर्ड स्लाइड करेगा, इसका एक्सीलेशन ए g/4 है, इसका मास m है, ये रफ सरफेस है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पर फाइंड करना है। तो यहां पर हम इसकी एफवीडी ड्रॉ करेंगे, एफवीडी ऑफ m, देखिए इस पे mg जो होगा ये डाउनवर्ड लगेगा, mg ये एंगल है 30 डिग्री, ये कंपोनेंट करेंगे ये mg sin 30 होगा और इस डायरेक्शन में fk लगेगा, ये नॉर्मल एक्शन, और इधर होगा mg cos 30 और ये इसका एक्सीलेशन है a g/4। तो यहां से हम इक्वेशन लिखेंगे, जो नॉर्मल एक्शन होगा n की वैल्यू mg cos 30 के इक्वल हो जाएगी, ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगी, और यहां से mg sin 30 माइनस fk इज इक्वल टू m a के होगा, यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, mg sin 30 की वैल्यू 1/2 और माइनस fk की वैल्यू म्यू इंटू n, n की वैल्यू है mg cos 30 और ये m इंटू a की वैल्यू g/4, इससे हम राइट साइड ले आएंगे और mg/4 को लेफ्ट साइड, तो ये mg/2 माइनस mg/4 इज इक्वल टू म्यू mg cos 30 की वैल्यू √3/2, इससे हम सॉल्व करेंगे, यहां पर 4 LCM होगा, 2 mg माइनस mg हो जाएगा mg के इक्वल,
और यहाँ पर mg से mg कैंसिल होगा, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, रूट 3 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/2√3। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा 4th करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज प्लेस्ड एट रेस्ट ऑन ए टेबल ऑफ रफ सरफेस। नाउ इफ ए फोर्स ऑफ 30 N इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन पैरेलल टू सरफेस ऑफ द टेबल, द ब्लॉक स्लाइड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 50 m इन एन इंटरवल ऑफ टाइम 10 s, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर ये सरफेस होगी टेबल की और इसके ऊपर हम ये ब्लॉक रखते हैं, ब्लॉक का मास है 5 kg और इस पे जो फोर्स लग रहा है ये F की वैल्यू हॉरिजॉन्टल में 30 N का फोर्स लग रहा है। इनिशियल ब्लॉक ये रेस्ट पे है, ये 10 s में t = 0 की पोजीशन है, t = 10 s में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये डिस्टेंस की वैल्यू दी है 50 m, ये ब्लॉक ट्रेवल करेगा 50 m, कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यहां पर म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर जब हम इसकी एफबीडी ड्रॉ करेंगे ब्लॉक की, एफबीडी ऑफ ब्लॉक, तो ये 30 N का फोर्स है, एफ के इस डायरेक्शन में लगेगा एमजी डाउनवर्ड और ये नॉर्मल एक्शन होगा और इस डायरेक्शन में एक्सीलेशन आएगा। तो यहां पर n = mg यानी 5 g के होगा और f माइनस यानी 30 - f के यानी μ(n)·n = ma5a के हो जाएगा। तो यहां से एक्सीलेशन की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू 30 - μ, n की वैल्यू mg के इक्वल यानी 5 g, g की वैल्यू 10/5 डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 6 - 10 μ ये एक्सीलेशन की वैल्यू आएगी। अब जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसके लिए हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, y = s = ut + ½ at², s की वैल्यू है 50, u 0, 1/2, a की वैल्यू 10 माइनस ये 6 μ के इक्वल आई है और t की वैल्यू है 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, ये 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 50 और ये 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 1 10 - 6 μ, इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे 6 μ, एक मिनट, मास 5 kg है, 5, 6, 6 एफ के की वैल्यू म्यू एम जी 10, ओके यहां पर सॉरी ये 10 μ है और यहां पर 6 होगा, ये 6 - 10 μ, ओके तो इसको कैंसिल करेंगे 1 = 6 - 10 μ होगा। अब इसको ट्रांसफर करते हैं तो ये वैल्यू ये 10 μ हो जाएगा, 1 को ट्रांसफर करेंगे 5
तो म्यू की वैल्यू 5/10 0.5 के इक्वल आ जाएगी। तो यहां पर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इसके लिए आएगा 0.5, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ए 75 न्यूटन फोर्स, यहां पर जो फोर्स लग रहा है ये 75 न्यूटन का है, ये स्प्रिंग दी गई है, स्टार्ट एक्टिंग ऑन ब्लॉक अटैच्ड विद ए स्प्रिंग एज शोन इन द फिगर। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू 75 न्यूटन पर मीटर है। मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग फाइंड करना है, तो जो मैक्सिमम एक्सटेंशन होता है डेल्टा एक्स मैक्स हमें फाइंड करना है। तो डेल्टा एक्स मैक्स का जो फार्मूला होगा, डेल्टा एक्स मैक्स ये 2fyk के इक्वल आएगा, और यहां पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे 2f की वैल्यू 75 और k की वैल्यू भी 75 है, तो यहां से डेल्टा एक्स मैक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर के इक्वल। तो इसका आंसर होगा 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मशीन गन इज फायरिंग 10 ग्राम बुलेट विद स्पीड 250 मीटर पर सेकेंड टू कीप मशीन गन इन पोजीशन 125 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड, फाइंड नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर सेकेंड। तो देखिए जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है उसे हम लिखेंगे पहले, गिवन मास ऑफ बुलेट जो दिया गया है 10 ग्राम, यानी ये 1/100 किलोग्राम हो जाएगा, और वेलोसिटी जो बुलेट की है वो 250 मीटर पर सेकेंड है, एफ जो गन पे अप्लाई कर रहे हैं ये 125 न्यूटन है इसको पोजीशन पे रखने के लिए। नंबर ऑफ बुलेट फाइंड करना है, तो जो एफ होगा वो हो जाएगा एन इंटू एम वी के इक्वल, टाइम 1 सेकेंड है, एन एम वी अपॉन टी होता है, टी की वैल्यू 1 होगी, तो एफ की वैल्यू हम पुट करेंगे 125, एन फाइंड करना मास है 1/100 और वी की वैल्यू 250, तो इससे हम डिवाइड करेंगे, ये 2 टाइम होगा और ये 2 5 50, तो यहां से एन की वैल्यू आ जाएगी 50, यानी 50 बुलेट पर सेकेंड यहां पर फायर करेंगे इसको रेस्ट में रखने के लिए जो बुलेट फायर हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एज शोन इन द फिगर ए ब्लॉक ऑफ मास 10 केजी इज लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस इज पुल्ड बाई ए फोर्स एफ एक्टिंग एट एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, म्यू एस कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जो स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है 0.25, द ब्लॉक विल जस्ट स्टार्ट टू मूव, द वैल्यू ऑफ एफ फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर जो गिवन है उसे हम लिख लेते हैं, एम मास गिवन है 10 केजी है और ये एंगल दिया है 30 डिग्री, एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा 30 डिग्री है, म्यू एस कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.25 है, तो इसके हम एफवीडी ड्रॉ करेंगे, एफवीडी ऑफ एम देखिए एमजी इसका 10g डाउनवर्ड लगेगा और ये फोर्स हम एफ अप्लाई कर रहे हैं 30 डिग्री पे,
इस डायरेक्शन में नॉर्मल एक्शन लगेगा और इधर ये एफएस लिमिटिंग लगाएंगे, जस्ट इसको मूव कराना है। एक्सीलेशन ये अप्रोक्सीमेट जीरो होगा, एम की वैल्यू 10 केजी है। तो एफ के यहां पर कंपोनेंट हो जाएंगे ये एफ कॉस 30 डिग्री हो जाएगा और इस डायरेक्शन में आएगा एफ साइन 30। तो यहां से हम इक्वेशन लिखेंगे एन प्लस एफ साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू एम जी यानी 10 जी के इक्वल। तो ये नॉर्मल एक्शन आ जाएगा, 10 जी की वैल्यू 10 पुट कर दें तो 100 माइनस एफ बाई टू ये नॉर्मल एक्शन की वैल्यू आएगी। इससे हम इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं और फिर इसके बाद सेकेंड इक्वेशन आएगी एफ कॉस 30 माइनस, एक मिनट, एक्सीलेशन जीरो है, एफ कॉस 30 जो होगा वो एफ एस लिमिटिंग के इक्वल हो जाएगा। जस्ट मूव करने से पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, नहीं मूव कर रही होगी बॉडी, हम एफ के भी लिख सकते हैं, एफ के लिख लेते हैं यहां पर, एफ एस लिमिटिंग से अच्छा रहेगा। तो लेकिन एफ के म्यू के तो दिया नहीं है, चलिए एफ एस लिमिटिंग ही लिखते हैं, जस्ट मूव कराना है। तो ये एफ कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और ये म्यू एस इंटू एन की वैल्यू हम निकाले हैं 100 माइनस एफ बाई टू। म्यू एस की वैल्यू 0.25 है तो इसे हम 1/4 लिख सकते हैं, 100 माइनस एफ बाई टू और ये है एफ √3/2। ये 2 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं या कर देते हैं अंदर, ये हो जाएगा 50 माइनस एफ बाई फोर और ये है एफ √3। एफ बाई फोर को इधर ट्रांसफर करेंगे, एफ कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 50 के होगा। यहां पर 4 एलसीएम लेंगे, एफ 4 एलसीएम लेंगे तो ये 4√3 प्लस 1 इज इक्वल टू 50 के आ जाएगा। तो ये 200 डिवाइडेड बाई 4√3 प्लस 1 के इक्वल होगा। यहां पर √3 की वैल्यू पुट कर देंगे 1.732 प्लस 1 ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के अप्रोक्सीमेट, तो 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। 8 से अगर हम डिवाइड करें ये के अप्रोक्सीमेट आएगी वैल्यू, यानी 25.2 न्यूटन ये फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट होगा। तो ये जेई मेंस 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।